भट्टा मजदूरों को लेकर आजमगढ़ से छत्तीसगढ़ जा रही थी बस। ड्राइवर को झपकी आने के बाद हुआ हादसा। बरदा थाना क्षेत्र के बउआपार गांव के समीप सड़क के किनारे पुलिया की दीवार में अनियंत्रित प्राइवेट बस जा टकराई। बस में सवार करीब 35 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए तत्काल स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर ले जाया गया, जहां 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अन्य घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी भट्टा मजदूर हैं और आजमगढ़ के ही कप्तानगंज क्षेत्र के किसी भट्टे पर काम करते थे। वे अपने घर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के लिए बस से निकले थे। सुबह ड्राइवर को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर लहराते हुए पुलिया के दीवार में घुस गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस लोगों के सहयोग से राहत कार्य में जुटी हुई थी। बरदा थाना अध्यक्ष ने बताया कि सभी घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस के अनुसार मजदूर कप्तानगंज क्षेत्र में इंद्रजीत पांडे के भट्टे पर काम कर रहे थे। घर जाने के लिए इलाहाबाद से बस आई थी, जो इनको लेकर छत्तीसगढ़ जा रही थी, लेकिन चालक टीपू खान को नींद आ गई, जिससे हादसा हो गया। देखें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की खास रिपोर्ट।